अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई ए आर। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स यानी फिजिक्स 12 के चैप्टर नंबर 16 के एक्सरसाइज के शार्ट का स्टडी करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शार्ट क्वेश्चन है, ए साइनोसाइडल करंट हैज एन आर एम एस वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर, वट इज द मैक्सिमम आर पीक वैल्यू। एक साइनोसाइडल करंट जो है उसकी रूट मीन स्केयर यानी आरएमएस जो है, आरएमएस रूट मीन स्केयर वैल्यू जो है 10 एम्पेयर है। व्हाट इज इट्स मैक्सिमम आर पीक वैल्यू, इसकी मैक्सिमम या पीक वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं फार्मूला आई आरएमएस बराबर होता है, हमारा जो गिवन है वो है 10 एम्पेयर और हमने मैक्सिमम या पीक वैल्यू आई नॉट जो है वो डिटर्मिन करनी है। फार्मूला हम जानते हैं आई आरएमएस बराबर होता है आई नॉट ओवर 2 स्केयर रूट, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इट मीन्स आई नॉट बराबर है 2 स्केयर रूट इन टू आई आर एम एस। अब अगर हम इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें यानी आई आर एम एस की वैल्यू 10 एम्पेयर दर्ज कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आई नॉट बराबर आ जाएगा 2 स्केयर रूट की वैल्यू होती है 1.41 और इन टू आई आर एम एस 10, तो 14.14 एम्पेयर हमारा आंसर होगा। लिहाजा इट मीन्स मैक्सिमम करंट हमारे पास बराबर आएगा 14.14 एम्पेयर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द डिवाइस, डिवाइस का नाम लिखें विच विल परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट गुजारेगा बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेट करंट, लेकिन अल्टरनेट करंट को जो है वो रोक देगा। बी जो इसका है परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेट करंट, यानी ऐसा डिवाइस कौन सा है जो अल्टरनेट करंट को पास करेगा बट नॉट द डायरेक्ट करंट, लेकिन डायरेक्ट करंट को पास नहीं करेगा। तो इसका आंसर देखें, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि डायरेक्ट करंट पास करे लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको स्टॉप करे, तो उस डिवाइस का नाम है क्वायल या चोक जिसको हम कहते हैं, या इंडक्टर भी इसको कहते हैं। एन इंडक्टर या चोक इज अ डिवाइस विच विल परमिट्स फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जबकि वीडियोज का आंसर है कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच विल परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेट करंट एंड बट नॉट द डायरेक्ट करंट। ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये अल्टरनेट करंट को तो पास करेगा लेकिन डायरेक्ट करंट को पास नहीं करेगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं इसकी प्लेटों के दरमियान इंसुलेटर होता है या एयर होती है, जब डायरेक्ट करंट आएगा तो ये इंडक्शन नहीं होगी बल्कि जो पॉजिटिव प्लेट है मुकम्मल तौर पर चार्ज होने के बाद नेगेटिव प्लेट के ऊपर करंट इंड्यूस करना बंद कर देगी, जिसके नतीजे में करंट का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीचेज मैक्सिमम ब्रिलियंस वैन कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज सोर्स। कहता है कि एक जो बल्ब इनकैंडिसेंट कहते हैं, जो बल्ब जिसमें फिलामेंट होता है वो कितनी दफ़ा चमकता है मैक्सिमम जब वो 50 हर्ट्ज सोर्स से कनेक्ट होता है। तो जाहिर है एक सोर्स जो 50 हर्ट्ज रखता है उसके अंदर दो पीक वैल्यूज आती हैं। इट मीन्स कि अगर हमारे पास 50 हर्ट्ज सोर्स वाली सप्लाई जो है किसी बल्ब को लगाई गई है तो वो हर सेकंड के अंदर दो दफ़ा जो है उसकी मैक्सिमम ब्रिलियंस आएंगी, जिसके मुताबिक इसका आंसर जो है वो 100 हर्ट्ज बनता है। इट रीचेस द मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकंड, द ब्रिलियंस ऑफ द लैंप विल बिकम मैक्सिमम ट्वाइस इन वन एसी साइकिल, बिकॉज द करंट आल्सो बिकम मैक्सिमम 2 टाइम्स इन अ साइकिल, सो मैक्सिमम ब्रिलियंस शोन बाय द लैंप बराबर होगी 2F, जो कि बराबर होगी 2 × 50 विच इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। यानी अगर बल्ब को 50 हर्ट्ज सोर्स से जोड़ा जाए तो उसमें मैक्सिमम ब्रिलियंस जो है वो 100 हर्ट्ज आएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, ए सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, ए स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज, द स्विच इज क्लोज एंड आफ्टर एन इंटरवल री ओपन। कहता है कि एक सर्किट है जिसके अंदर आयरन कोर इंडक्टर है, एक स्विच है और एक डीसी सोर्स है। कहता है जब स्विच को क्लोज किया जाता है और कुछ वक्फे के बाद रीओपन किया जाता है, एक्सप्लेन वाई ए स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स। कहता है इस बात की वजाहत करें कि स्विच कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो है वो स्पार्क क्यों जनरेट होता है। तो फिगर आपके सामने मौजूद है, इसमें देखें ये एक डीसी सप्लाई है, एक रियोस्टेट है, ये एक स्विच है। तो जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा तो ये फुल्ली मैग्नेटाइज्ड हो चुकी होगी। अब अगर आप स्विच को रीओपन करते हैं तो लाजमी तौर पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये काम होना शुरू होगा, जिसके नतीजे में इसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस होगी
और जो ही आप स्विच को रीओपन करेंगे तो वो बैक ईएमएफ जिसमें इंड्यूस होगी वो इसमें स्पार्क पैदा करेगी। आंसर देखें, व्हेन स्विच इज रीओपन द करंट इन सर्किट डिक्रीज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो। दिस चेंजिंग करंट प्रोड्यूस एन ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर विच प्रोड्यूसेस स्पार्क अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट। यानी जब आप इस स्विच को ऑफ करते हैं तो करंट काम होना शुरू होता है, जिसके नतीजे में बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है कॉयल के अंदर, जो कि इन स्पार्क का बायस बनती है स्विच के अंदर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कहता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो उससे किसी कॉयल की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर देखें, पहले हम देखते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बीकम डबल, जो कैपेसिटर जो हमारे पास इंडक्टर है उसकी रिएक्टेंस पहले से डबल हो जाएगी। फार्मूले के मुताबिक एक्स एल इक्वल ओमेगा एल, जो कि बराबर है 2 पाई एफ एल। अब अगर यहाँ पर आप जो एफ है इसकी कीमत 2 एफ रिप्लेस कर दें तो 2 पाई एफ एल के अलावा एक और 2 यहाँ हम अलग कर लेंगे, तो 2 पाई एफ एल हमारे पास पहले ही एक्स एल के बराबर है, लिहाजा नई जो हमारी रिएक्टेंस होगी एक्स एल प्राइम वो 2 एक्स एल के बराबर हो जाएगी। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो इंडक्टर की रिएक्टेंस डबल हो जाती है। द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बीकम हाफ, जबकि कैपेसिटर की रिएक्टेंस आधी रह जाती है। फार्मूले के मुताबिक एक्स सी बराबर है 1 ओवर ओमेगा सी, ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ। तो अगर यहाँ पर हम एफ की कीमत 2 एफ रिप्लेस कर दें तो इसमें 2 पाई एफ सी जो है वही दोबारा हमारे पास एक्स सी की कीमत के बराबर हो जाएगा, लिहाजा एक्स प्राइम सी जो है 1 ओवर 2 एक्स सी, यानी कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो पहले से हाफ रह जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, इन ए आर एल सर्किट विल द करंट लैग आर लीड द वोल्टेज, इलस्ट्रेट योर आंसर बाई ए वेक्टर डायग्राम। कहता अगर हमारे पास आर एल सर्किट है तो उसमें करंट जो है वो लैग करेगा या लीड करेगा वोल्टेज से, अपने जवाब को वेक्टर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर देखें, इन आर एल सर्किट करंट लैग द वोल्टेज बाई एन एंगल थीटा। किसी भी आर एल सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो वोल्टेज से थीटा लैग कर देगा, यानी पीछे रह जाएगा। फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, थीटा बराबर है टैन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। और फिगर में देखें, ये अगर ये लाइन हमारी वेक्टर डायग्राम के अंदर वोल्टेज को इंडिकेट करती है तो ये हमारे पास फाइनल करंट मिलेगा, जो कि एन एंगल थीटा भी होगा वोल्टेज के साथ। लिहाजा जब हम आर एल सर्किट को स्टडी करेंगे तो करंट जो है वोल्टेज से थीटा जो है वो लैग कर रहा होगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर के हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ख़त्म हुए। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।